हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहवाग रिद्धि व्लॉग। और आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि हमारी नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं मेरी और रिद्धि की, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। और जो भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि हम कमेंट पढ़ने आते हैं उनकी वीडियो पे, कमेंट ऐसे भी आते कि हम उनकी वीडियो पे सिर्फ कमेंट पढ़ने आते हैं, तो जो भी आप कमेंट पढ़ने आते हो तो ऊपर वीडियो तो हमारा चालू रहेगा ना, तो प्लीज़ प्लीज़ यार आप भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जिसने आगे वाली वीडियो देखी होगी उनको तो पता ही होगा कि रिद्धि मम्मी बनने वाली और मैं पापा, ये पापा बनने वाले हैं। तो सहवाग रिद्धि मम्मी पापा बनने वाले हैं। जिसने आगे वाली वीडियो देखी होगी उनको पता होगा, और अभी जिसने नहीं देखी उनको भी पता चल गया होगा कि हम दोनों मम्मी पापा बनने वाले हैं। और काफ़ी सारे लोगों की कमेंट आती है, मतलब कि इतनी छोटी उम्र में प्रेगनेंसी। तो फ्रेंड्स, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, क्योंकि आप सारे लोग हमारी वीडियो देखते हैं इसलिए हमें गलत कमेंट करते हैं। जो बाहर जो ऐसे भी लोग हमें कमेंट करते हैं जो खुद गलत काम करके बैठे और दूसरों की वीडियोस पे गलत कमेंट करते हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे हो गए जिसने खुद गलत काम किया होगा और हमारी वीडियो पे गलत कमेंट करते हैं। और काफ़ी सारे कपल ऐसे हैं जिसने बिना शादी के मतलब ऐसे घूमते रहते हैं और प्रेगनेंसी हो जाती है तो गोलियाँ खा लेते हैं और बाद में एक नन्ही सी जान को आने से पहले मार देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ऐसा नहीं किया, अगर हमने ऐसा किया होता तो आपको पता भी नहीं चलता कि रिद्धि प्रेग्नेंट है। और आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि एक नन्ही सी जान को आने से पहले नहीं मारना चाहिए, वो बहुत बड़ा पाप है, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। और काफ़ी सारे लोग मतलब भर भर के कमेंट करते हैं कि आपने इतनी जल्दी शादी क्यों की, तो हम आपको उसका रीज़न अभी बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, आपको हम बता दें कि इतनी जल्दी शादी क्यों होती है। तो अभी हम जिस गाँव में रहते हैं, तो रिद्धि आप बताओ हम जिस गाँव में रहते हो इधर मतलब कैसे शादी होती है? हम इधर हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ छोटी उम्र में ही शादी हो जाती है। तो इधर इतने आजू बाजू में जितने भी गांव है उधर इतनी छोटी छोटी एज में शादी हो जाती है? अगर आप वो देखते ना तो आप हमको तो इतना बड़ा समझते, और वो लोग तो इतने छोटे होते तब भी उनकी शादी हो जाती है। और इधर किसी को हमारी इतनी एज में शादी हो गई, इधर सब लोगों को मतलब नॉर्मल रहता है कि इतनी एज में तो शादी होती है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे की शादी मतलब 9 से 10 साल के बच्चे की भी शादी, 9 से ऊपर जो बच्चा होता है 9 साल से ऊपर का बच्चा उनकी भी शादी हो जाती है। और इधर कोई भी ऐसा नहीं बोलता कि छोटी उम्र में शादी हो गई, क्योंकि काफ़ी सारे एक मेरा खास फ्रेंड था उसकी भी शादी 11 साल की उम्र थी तभी उसकी शादी हो गई थी। और इधर सब गांव में ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में मतलब शादी हो जाती है, मतलब पढ़ाई बढ़ाई 10वीं फेल, चलो अभी शादी, ऐसा ही होता है। तो हमारी भी हमने भी 10वीं फेल हूँ और रिद्धि भी 10वीं फेल हूँ, वो तो आपको पता ही है। हम इतने घर से नहीं बोल रहे, हमें भी अभी तो अफसोस हो रहा है कि हम 10वीं फेल है, क्योंकि आगे वाली वीडियो पे आपने बोला था कि 10वीं फेल है और कैसे बोल रहे हैं, अगर अभी फेल हो गए तो क्या करें। हमने ट्राई भी किया, अभी तो हम नहीं कर सकते क्योंकि अभी जनरल नॉलेज अभी मैं ITI करूँगा, लेकिन ब्लॉग अभी कम आएंगे, लेकिन आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो तो हम बता देंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ने हमें रिद्धि बहुत सारी हिट दी कि आपने जल्दी शादी कर ली। और हमें भी ऐसे सोशल मीडिया पे आने का इतना ज़्यादा शौक तो नहीं था, लेकिन आप सबका प्यार और सपोर्ट, इसीलिए हम अभी यूट्यूब पे भी आ गए, क्योंकि हमें इंस्टाग्राम पे थे। और मैं और रिद्धि जब मैं रिद्धि से मिला तब तो हम रील्स वील्स कुछ नहीं बनाते थे, क्योंकि घर वालों से डरते थे, अगर घर वालों को पता चल गया तो बहुत डांटेगी, इसलिए हम तब तो वीडियो कुछ नहीं बनाते थे। फिर सब धीरे धीरे घर से पता चल गया और हमारी सगाई वगाई हो गई, तभी रिद्धि हम घर पे आती थी तभी हम दोनों वीडियो बनाते थे। और वीडियो इसीलिए बनाते थे क्योंकि हमें व्हाट्सएप पे स्टोरी लगानी थी, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने के लिए ही हम वीडियो बनाते थे और ऐसे ही पोस्ट कर देते थे इंस्टाग्राम पे। तो हमें ऐसा कुछ वायरल होने का शौक नहीं था, मतलब मैं तो आगे वीडियो बनाता था, हमने सोचा भी नहीं था कि हम वायरल हो गए, यूट्यूब पे आएंगे, इंस्टाग्राम पे आएंगे। हम तो हमारे शौक के लिए ही करते थे, हमें स्टेटस व्हाट्सएप में स्टेटस लगाने होते थे इसके लिए ही हम बनाते थे। और हमें ऐसा कुछ नहीं था कि आप सभी तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुँचाए। तो अगर हमारी शादी इतनी छोटी एज में हो गई तो अभी हम क्या, छोटी एज भी नहीं, हमारी एज तो कम्प्लीट हो गई और अभी रिद्धि प्रेग्नेंट भी है। हमारी एज तो आप सभी को पता है कि 21 मेरी हो गई है, रिद्धि की 19, तो अब हम दोनों की एज तो कम्प्लीट है, लेकिन आप सभी लोग को ऐसा लगता है कि हमारी छोटी उम्र में शादी हो गई। और छोटी उम्र में शादी हो गई तो हमारी बिल्कुल छोटी उम्र में शादी नहीं हुई हो, क्योंकि हमने हमारी एज कम्प्लीट हो गई थी तभी हमने शादी की। और हमारे आप सभी को पता है कि लव मैरिड है, हमने ऐसे सभी मतलब हमारे गाँव में तो जो जिसकी अरेंज मैरिज होती है उनके तो छोटी छोटी एज में मतलब शादी सभी लोगों की हो जाती है। और इधर
सब कुछ मतलब नॉर्मली रहता है, कोई ऐसा नहीं बोलता कि छोटी उम्र में शादी की। और हमने तो हमारी एज कम्प्लीट होने के बाद भी शादी की, तब भी आप लोग ऐसा बोल रहे हैं। अगर आप हमारे गाँव में आकर किसी शादीशुदा मतलब बच्चे को देखोगे ना, 10-12 साल का बच्चा, उसकी शादी हो रही है, तो आप मतलब बिल्कुल चौंक जाओगे। तो प्लीज़ यार गलत कमेंट मत करो, हमारी तो एज कम्प्लीट हो गई है। और हमने जो बोला कि हमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया कि एक नन्ही सी जान को आने से पहले हमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे पाप करते हैं, तो ऐसा पाप करना नहीं चाहिए। और प्लीज़ यार गलत कमेंट मत करना। तो चलो बाय ऑल फ्रेंड्स, लव यू ऑल फ्रेंड्स, आप सब ने बहुत सारा प्यार दिया हमें यूट्यूब पे बनाए रखने के लिए। बाय ऑल फ्रेंड्स।